हेलो दुनिया वालों, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि दुबई में चांद रात कैसे होती है। बस पाकिस्तान में जो मज़ा होता है ना चांद रात का, चूड़ियों का, मेहंदी का, वो मज़ा यहाँ पर बहुत मिस किया जाता है, हर कोई मिस करता है। बट बहरहाल, हम अपनी अपनी गैदरिंग के हिसाब से यहाँ पे भी चांद रात मना ही लेते हैं। यहाँ हम करेंगे अफ्तार, रोज़ा, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया है। शॉपिंग हमारी अधूरी रह गई है, शॉपिंग करके बाद में अफ्तार। अभी तो इसमें शॉपिंग के लिए मैंने अपने ड्रेसेस तो ले लिए थे, और बच्चों के रह गए थे और मियाँ जी के एक रह गए थे। तो हम गए पहले, खाड़ी निशात गए थे। ईद वाले दिन तो हम लेडीज़ को खाड़ी निशात ही चाहिए होता है, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, और नॉर्मल डेज में कुछ भी पहन लेते हैं हम। तो इसलिए हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। Come here, fam. Look, car coming, come here. Hold my hand, please. तो दुनिया वालों, आ जाए हैं हम जेराड। दुबई में चांद रात कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ दुबई की चांद रात इंजॉय करें। पाकिस्तान की तो ये करें चांद रात इंजॉय की होगी, दुबई की चांद रात पे हमारे जेराड खाड़ी जा चुके हैं, अब निशात भी जा चुके हैं। अभी हम जेराड देखते हैं, बीच में नहीं बोलते। और उसके बाद कोई भी नहीं था, खाली बजी उसकी। चलिए रोड क्रॉस करेंगे हम। आइए बच्चों, कम बेबे, चलिए क्या करते हैं। कम ऑफ हम, और फिर हम गए जेडॉट। जेडॉट पे हमने लिया अपने मियाँ जी का ड्रेस, और फिर हमने लिए बच्चों के ड्रेस। बच्चों के ड्रेसेस भी वहाँ बहुत महंगे थे। खैर, वहाँ पे हमने चेक किए, बच्चों के ड्रेसेस भी वहाँ बहुत अच्छे थे, और मियाँ के हस्बैंड बड़ों के भी ड्रेसेस जेंट्स के बहुत अच्छे थे। जेडॉट पे हमने वहाँ से लिए। फिर उसके बाद हम चले आगे, एक और एरिया है, इंडियन ड्रेसेस हैं जहाँ पर। वहाँ आदमियों के शलवार कुर्ते नहीं, बच्चों के शलवार कुर्ते मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम वहीं से होते होलाते घूमते घुमाते गलियों में से निकलते हैं, हम एक इंडियन शॉप पे गए। अक्सर मैं वहाँ से जाके बच्चों के शलवार कुर्ते लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैंने वहीं से जाके बच्चों का शलवार कुर्ता ले लिया फाइनली। और ये नॉर्मल ड्रेस वो है, लॉन की कुर्तीस वगैरह, ये आंटियाँ हैं, इन सब ने मुँह छुपाया हुआ अपने, क्योंकि इनके है नहीं बेचारी होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसे ड्रेसेस के साथ किया हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ इंडियन शॉप्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पर हर तरफ, जगह जगह पे, क्योंकि पाकिस्तानी जो खासकर जहाँ रश होता है वो सिर्फ तीन ही होते हैं स्टिच में, खाड़ी, निशात और लीको। महंगा था, रश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्रॉक्स, वाह, कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स है। शादी के लिए लेने ही हो तो ये जेडॉट पे नहीं है, बस बराबर में ना अच्छी अच्छी सी आपको फ्रॉक्स मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और ये बच्चों की ड्रेसें हैं, शादी आती है ये सीधी ईद के बाद, तो आप लोग बच्चों के लिए ड्रेसेस ले सकते हैं। ये देखें ब्राइडल ड्रेस, अगर किसी को चाहिए ब्राइड का, और ये साथ उसके बच्चों के ड्रेस, छोटी छोटी सी प्यारे प्यारे से, देख रहे हैं कितनी अच्छी लगी। मुँह नहीं है, दुल्हन का मुँह आपको लगाना पड़ेगा, कोई लेके अच्छा सा दुल्हन जिसको। अरे रोड क्रॉस करती हूँ मैं, रोड क्रॉस करती हूँ मैं तो ऐसे ही। और ये एक और शॉप है, ये इंडियन शॉप है। लो जी, बीच रस्ते में ना, शॉपिंग के बीच रस्ते में हमारे बच्चे को आ गई है शूशू, एज़ यूजुअल मेरे बेटे को हर जगह पे ना शूशू आ जाती है। तो मैं आधी शॉपिंग छोड़ के इसको शू कराने के लिए लेके जाती हूँ, तो अब इनको शू आ गई, अब हम जा रहे हैं इनको शू कराने के लिए। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग, शो वाला, शू वाला। लेट्स गो।
बहुत रश है भाई, बहुत रश है, टू मच रश है, टू मच। इस पे चेक करते हैं इस पैलेस पे, क्यों कैसा लग रहा है, किसे शर्म है, वाओ इतनी प्यारी की छोटी सी, देखो आई थिंक बच्चों की है ये, वाओ पकड़ो तो जरा, वीडियो बनाओ क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ू ना तो मेरी वीडियो नहीं बनती है। बड़ा प्यारा लग रहा है यार ये वाला, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसके प्राइस भी बड़े खूबसूरत होंगे डेफिनेटली। काश एफ एम, अगर आप लड़की होते ना तो मैं आपको ये पहना देती। सी एफ एम, शो में एफ एम, कैसे लग रहे हो आप, प्यारे लग रहे हो, लाइक आई लाइक इट। इस साइड फिर चलते हैं, इधर देखते हैं, कम एफ एम हम अपने लिए देखते हैं अब ये। यार मैंने ऐसा देखा था खाड़ी पर, देखा था ऐसा बड़ा अच्छा था यार खाड़ी पे, जो मैंने देखा था ना ये वाला, ऐसे पकड़ो तो जरा, होल्ड करो, अच्छा मैंने देखा था कल खाड़ी पर ना, बड़ा अच्छा सा था। तो उसके बाद ये है कि फिर हमने कुछ खाया पिया, चाय शाय पी, और रौनक लगी है। ऐसे अच्छी रौनक नहीं लगती जैसे पाकिस्तान में लगती है, बट सही है, अच्छी रौनक होती है, बट सही होती है। और कौन मेहंदी वगैरह में मिलती है, मैंने कौन मेहंदी भी ली रस्ते से। अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके मेरी फ्रेंड्स आएंगी मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं उन लोगों को लगाऊंगी मेहंदी। और मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, आई मीन लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं, दूसरों के लगा सकती हूँ बट अपने नहीं अच्छे हाथ लगते मुझे मेहंदी वाले। तो इसलिए मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर आई हैं और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उनके साथ, और ये देखें मेरी मेहंदी मैंने उन लोगों को लगाई। थोड़ी सी प्रैक्टिस की, वो क्या है ना कि यार प्रैक्टिस में इंसान नहीं होता ना तो भूल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई, मेरे हाथ थोड़ा सा रफ चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं ऐसा लगाने वाला। पाकिस्तान में तो बहुत सारी कजन्स ये वो दोस्तें सब होती हैं, किसी का भी हाथ पकड़ा एनी टाइम कभी भी लगा दिया, यहाँ पर सिर्फ ईद का वेट करना पड़ता है कि ईद आएगी चांद रात आएगी तो मेहंदी लगाओ। तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड्स की मेहंदियाँ शेहंदियाँ लगाई, तो ईद पर ही, ईद पर जो चांद रात घर पर ही हमने चांद रात बना ली और यह है कि इंजॉय कर लिया, मज़े कर लिया। अब ईद वाले दिन क्या होता है, टू बी कंटिन्यू, मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि ईद का दिन दुबई में कैसे होता है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ दुनिया वालों।